गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। पावर पॉइंट स्टडी में हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में, हम इसके में पढ़ेंगे, ठीक है। डेली करंट के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये डेली करंट अब रोज़ सुबह 9 बजे मिल जाएगी, ठीक है। आपको डेली करंट अफेयर सुबह क्या मिल जाएगी, रोज़ 9 बजे मिल जाएगी। आज लेट हो गया, मतलब आपको आज से, मतलब आज से नहीं, कल से आपको ये कहते हुए मिल जाएगी, 9 बजे मिल जाएगी। आज है 16 जनवरी और हम पढ़ेंगे 15 जनवरी की डेली करेंट अफेयर, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करेंट अफेयर, ठीक है। और आप लोगों को कल से 9 बजे मिलेगी ये वीडियो, फिक्स 9 बजे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगी। और लूसेंट में क्या है कि लूसेंट की कक्षाओं में क्या हो रहा है कि लूसेंट की बच्चे इतने अब्यूज़ नहीं आ रहे, तो इस चक्कर में लूसेंट की नहीं डाल रहे वीडियो, मतलब डालेंगे रोज़ 2-3 दिन में एक वीडियो डालेंगे। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बल के रक्षा मंत्री द्वारा क्या हुआ, रक्षा मंत्री ने एक मिनट रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बल वायुवृद्धि दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। कौन सा सशस्त्र बल वायुवृद्धि के रूप में मनाया, कौन सा सशस्त्र बल वायुवृद्धि दिवस, ठीक है, वायुवृद्धि दिवस के रूप में कितनी वायु दिवस के रूप में किसने, रक्षा मंत्री ने किसको 15 जनवरी को मनाया, किसकी 15 जनवरी को वायु वृद्धि के रूप में 15 दिवस को मनाया, ठीक है। इसमें जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उन्होंने 3 नई पहल शुरू की है, ठीक है। इन्हें क्या किया, जो पूर्व सैनिक थे, कहते पूर्व सैनिक जो पूर्व सैनिक थे, ठीक है, उनके लिए क्या किया इन्होंने, पूर्व सैनिकों के लिए 3 पहले शुरू की, तीन नई पहल शुरू की, ठीक है। इनके द्वारा 3 नई पहलों को शुरू की गई, जिसमें सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए इन्होंने क्या किया, 7,900 नौकरी पत्र जारी किए, ठीक है, नौकरी पत्र जारी किए। और सशस्त्र सेना झंडे के रूप के द्वारा, कौन सी सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के रूप में ने 320 करोड़ रुपए क्या किए, 320 करोड़ रुपए एकत्रित आवंटित किए, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में इन्होंने 320 करोड़ रुपए क्या किए, आवंटित मतलब दिए, किसको दिए, जो सैनिकों के लिए, उन लोगों के लिए दिए, ठीक है, ठीक है। 15 जनवरी को इंडिया ने 74वां सेना दिवस के रूप में मनाया, सेना दिवस के रूप में मनाया। ये सेना दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि 1949 में क्या हुआ था, 1949 में, ठीक है, 1949 में ब्रिटेन के जनरल फ्रांसीसी बुचर, ठीक है, फ्रांसीसी बुचर ने किसको, लेफ्टिनेंट
जर्नल के एम करियप्पा, ठीक है, के एम करियप्पा, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा क्या किया गया था, के एम करियप्पा ने क्या किया था, भारतीय सेना की, भारतीय सेना के पहले कौन थे ये कमांडर इन चीफ, ये कल भी बताया था, कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, कमांडर इन चीफ के रूप में क्या क्या उन्होंने कार्यभार संभाला, किसने संभाला, लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा, ठीक है, इनके द्वारा। ये क्या था, 1949 में ब्रिटेन के जनरल फ्रांसिस बुचर ने क्या किया था, ये इसके क्या थे, जनरल थे, ठीक है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट, जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता हुई, तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल के करियप्पा ने क्या, वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में क्या हुआ था, पूरे कारोबार को संभाला था, ठीक है, पूरे कारोबार को संभाला था। और इसमें एक पॉइंट और है इसमें, और ये भारतीय सेना कब, इनके कब से इनके अधीन थी, ये भारतीय सेना इनके 1895 से ब्रिटेन के अधीन थी, के अधीन थी, ठीक है, 1895 से ब्रिटेन के अधीन थी, जो भारतीय सेना थी, जो 1895 से कहाँ के, ब्रिटेन के अधीन थी, ठीक है, जिसको किसने, जिसको 1949 में क्या हुआ, भारत के जब आज़ाद हुआ, तो इन्होंने इसका कार्यभार संभाला, ठीक है, किसने, किन्ने सा, एम के करियप्पा ने, के एम करियप्पा ने इसका क्या किया, कार्यभार को संभाला, ठीक है। हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्या हुआ था, भारत यूपी के, क्या हुआ था, यूपी के बांदा जिले से, जिले के यूपी के बांदा गांव से, ठीक है, पहले बांदा गांव से 1980 के दशक, 80 के दशक में लोकराई के मंदिर से क्या हुआ था, मंदिर से एक मूर्ति थी, ठीक है, एक मूर्ति थी, ठीक, जिसको क्या हुआ था, यूपी के बांदा गांव के 1980, यूपी के बांदा गांव, यूपी के बांदा गांव में 1980 के दशक में लोखर के एक मंदिर से एक मूर्ति को अवैध रूप से, हटाया हटाया गया, ठीक है, क्या हुआ, 1980 के, मतलब 1980 के दशक में एक लोखर के एक मंदिर से एक मूर्ति को हटाया गया, जो आज 10वीं शताब्दी में, जो कि 10वीं शताब्दी की, कौन सी 10वीं शताब्दी की थी, ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति थी, ठीक है, इसमें क्या था, बकरे के सिर की अंगूठी थी, मतलब मूर्ति थी ये, इसमें बकरे के सिर, सिर की तराशी की, बकरे का सर था, पूरा एक तरीके से देवता की तस्वीर थी, ठीक है, इसको पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है, ये पत्थर की बनी हुई थी, तो इसको क्या हुआ, ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति थी, जिसको चुरा लिया गया था अवैध रूप से 1980 के दशक में, जो आज कब, जो कि 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2022 को, 22 को यह मूर्ति इंग्लैंड के एक बगीचे में मिली, कहाँ पे मिली, इंग्लैंड के एक बगीचे में, मिली, ठीक है,
क्या हुआ, इंग्लैंड के एक बगीचे में ये मूर्ति मिली जिसको जिस जो खोजी गई, एक तरीके से प्राचीन मूर्ति है 10वीं शताब्दी की, बहुत ही मतलब अनमोल मूर्ति थी, ठीक है, 14 जनवरी को जो इंग्लैंड के एक बगीचे मिली। अब इस मूर्ति को भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के लिए भेजा जाएगा। कि ये मूर्ति असली है कि नकली है, या फिर मतलब एक तरीके से जो मूर्ति मतलब जो चोरी हुई थी वही मूर्ति है, या फिर मतलब और कोई सी मूर्ति है, ठीक है, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए इस मूर्ति को भेजा जाएगा, ठीक है। 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल जो कि कहाँ मनाया गया, मणिपुर में, जो कि मणिपुर में संपन्न हुआ, ठीक है। और यह किस जिले में हुआ, यह उरवल जिले के कच्छाई में आयोजित किया गया। कहाँ पे, उखुवरल जिले, उखरुल जिले के कच्छाई गांव में कितने, 2 दिन के लिए, ठीक है, 2 दिनों के लिए इस चीज को आयोजित किया गया, जिसमें मणिपुर के कच्चाई लेमन को क्या हुआ, जीआई टैग मिल गया, ठीक है, जीआई टैग दिया गया, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया। यह एक क्या है, इसमें एस्कर्विक अम्ल का एक समृद्ध स्रोत है, ठीक है, इसका अम्ल का क्या एक समृद्ध स्रोत है, ठीक है। क्या है इसमें, ये 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल किया गया मणिपुर में जो 2022 के रूप में, ठीक है, इसको उखरुल जिले के कच्चाई गांव में दो दिवसीय ये चला, ठीक है, इसमें मणिपुर के कच्चाई लेमन को जीआई टैग दिया गया, ठीक है, इसमें एस्कर्व अम्ल का एक समृद्ध स्रोत पाया गया, मतलब इस अम्ल की अधिकता पाई गई, ठीक है, इसका उद्देश्य ये था, ऑर्गेनिक कच्चाई लेमन फॉर सेल एनवायरमेंट, ठीक है, एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या था, इसका एक तरीके से उद्देश्य था, कहता ऑर्गेनिक कच्चाई लेमन फॉर सेल्स एंड एनवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये इसका क्या था, ये इसका एक उद्देश्य था, ठीक है, जिसको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आएगा दूसरा, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पढ़े, गणतंत्र समारोह को हर साल 24 की जगह, ठीक है, क्या हुआ,
ये बताया गया कि गणतंत्र समारोह को हमेशा 24 की जगह, 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी को मनाया जाए। किसको? गणतंत्र समारोह को। और ये देश क्यों रखा गया? यह कदम है, यह कदम किस चीज़ के लिए रखा गया? इस कदम को इसलिए कर रखा गया कि स्वतंत्रता दिवस दिवस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, इसलिए बोला गया क्योंकि स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता दिवस सेनानी की जयंती को भी सम्मिलित किया जाए, इस कदम को इसलिए उठाया गया। ठीक है, 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को तमिलनाडु के, किसके? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम, तिरुवल्ली, सॉरी, तिरुवल्लीवर दिवस, ठीक है, तिरुवल्लीवर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें तमिल के कवि, इसमें तमिल के कवि व दार्शनिक, कमिल के कवि व दार्शनिकों में तिरुवल्लुवर को एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, एक सांस्कृतिक प्रतीक माना ठीक है, इन्होंने क्या था? उनकी प्राथमिक प्राथमिक कृति, ठीक है, जो ये तिरुवल्लम दिवस, मतलब एक तरीके से ये थे एक उनके कवि और दार्शनिक थे, जो कौन थे? तिरुवल्ली, तिरुवल्लुर, वल्लुवर, ठीक है, ये इनके क्या थे? एक कवि टाइप से थे। कृति थी इनकी, इनकी एक कृति थी थिरुकुक्कुरल, ठीक है, जिसमें कितने? 1330 दोहे थे। ठीक है, 1330 दोहे थे, ठीक है, 1330 दोहे थे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, 1330 दोहे थे। ठीक है, 20वां ढाका, ही सर, ढाका अंतर्राष्ट्रीय दिवस फिल्म समारोह, सॉरी, ठीक है, क्या हुआ? 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। ठीक है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये कितने दिन के लिए मनाया गया? ये मनाया गया 15 से 23 जनवरी तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 70 देशों की, ठीक है, इसमें क्या है? 70 देशों की, कितनी? 70 देशों की 10 श्रेणियों में, 70 देशों की 10 श्रेणियों में कितनी? 225 मूवियाँ,
मूवीज को शामिल किया गया, कितनी 70 देशों की 10 श्रेणियों में 225 मूवियों को शामिल किया गया, ठीक है। इसमें 10 से 23 जनवरी तक की इन मूवियों को देखा जाएगा और इनके बारे में एक तरीके से जो भी इनका वो रहेगा कि जो जीतेगा फिल्म महोत्सव समारोह में उसको एक तरीके से प्राइस वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें दो तीन पॉइंट और रह गए। 14 जनवरी को, ठीक है, किसको? 14 जनवरी को, 14 जनवरी को भारत प्लस चीन के बीच क्या हुआ? द्विपक्षीय व्यापार। देखिए अभी लोग भारत में क्या हो रहा था, देखो अपने अपने क्या हो रहा था कि भारत में लोग कह रहे थे कि चीन से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, फिर भी भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार में कितना कितना हुआ? 125.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या हुआ? व्यापार हुआ, अमेरिकी डॉलर का क्या हुआ? व्यापार हुआ। अब एक बात बताइए, ये कब का व्यापार है? ये 2021 का है, ठीक है, 2020 में, ठीक है, 2020 में कितना? 87.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी। इस हिसाब से ये व्यापार घट नहीं रहा है, इस हिसाब से व्यापार बढ़ रहा है, और ये कितना? 34% से भी अधिक है, ठीक है, 34% से भी अधिक है। मतलब एक तरीके से चीन है, एक तरीके से भारत में मतलब व्यापार कर रहा है और उसमें लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्या हुआ? एक चीज हो रही, उद्यमियों के समूह में एक नया संगठन, कैनेडियन हिंदू चैम्बर, हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या गया? उद्यमों के समूह में, ठीक है, उद्यमियों के समूह में क्या हुआ? एक नया संगठन आया जिसका नाम है कैनी डियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या है? इसमें कनाडा में हिंदू कनाडा में हिंदू और उनके आर्थिक हितों का एकीकृत किया जाएगा, उनके आर्थिक हितों का एकीकृत या फिर मतलब एकीकरण किया जाएगा, ठीक है। इनका क्या किया जाएगा? कनाडा के हिंदू और उनके आर्थिक हितों का एकीकरण किया जाएगा। जी किसने बताया गया? एक कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बताया गया। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर देना, अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि दूसरों को जब पता चलेगा तभी तो मतलब एक तरीके से अच्छे मतलब सही तरीके से मतलब एक तरीके से उन लोगों को पढ़ने में हेल्प मिलेगी, ठीक है।